सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि शिकायत या आरोप को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए उच्च न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य की वैधता की जांच की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। एम जयंती बनाम के आर मीनाक्षी मामले में एक महिला ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति ने दूसरी महिला से शादी करके द्विविवाह का अपराध किया है। आरोपी पति द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने शिकायत को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए शिकायतकर्ता को विवाह के रूप में निवेदन करना चाहिए, जिसमें जिस गवाह की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ और विवाह केस में तिथि और स्थान के बारे में विवरण दिया जाना चाहिए। हालांकि शिकायतकर्ता ने सरकारी राजपत्र की प्रति को पेश किया, जिसमें दूसरी महिला ने खुद को आरोपी की पत्नी बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आधार पर इससे इनकार दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज को अन्य सबूतों के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। अपील की अनुमति देते समय न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई के चरण तक पहुंचने से पहले शिकायतकर्ता के लिए दरवाजा बंद कर सकता है और इस मुद्दे को पूर्व में समाप्त कर सकता है, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था। पीठ द्वारा कहा गया कि उच्च न्यायालय ने गाड़ी को घोड़े के पीछे डाल दिया जब उसने कहा कि शिकायतकर्ता ने सरकारी राजपत्र में प्रविष्टि को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। हालांकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है। इस संबंध में पीठ ने कहा, किसी भी प्रस्ताव के लिए किसी प्राधिकरण के संदर्भ की तलाश करना काफी देरी वाला है और शिकायत या आरोप को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य की वैधता की जांच की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या शिकायत में ऐसे आरोप हैं जो उन अपराधों के लिए आधार है जिनकी शिकायत की गई है। न्यायालय यह देखने का भी हकदार हो सकता है कि पॉइंट नंबर वन, क्या संज्ञान लेने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त का अनुपालन किया गया है या नहीं। पॉइंट नंबर टू, क्या शिकायत में निहित आरोप भले ही संपूर्णता में स्वीकार किए गए हों कथित अपराध का गठन नहीं करेंगे। अपील की अनुमति देते हुए बेंच ने आगे कहा, अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत पर एक नजर यह दर्शाएगी कि अपीलार्थी ने आरोपियों के लिए उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सामग्री को शामिल किया था। सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता कानून के ज्ञात तरीके से आरोपों को साबित करने में सक्षम होगा जो बाद के चरण में उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।